हाय एवरीवन, मैं अजीत कुमार आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल ओगीपुर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कक्षा 10th के अर्धवार्षिक पेपर, जो कि आपके पेपर लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा यह पेपर, यदि आप इस पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व करके अपना पेपर देने जाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा पेपर है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का पेपर है, एडी कोड का पेपर है, जो कि आपके पेपर में बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा यह पेपर। समय आपको 3 घंटे का दिया गया है। कक्षा 10 का पेपर दोस्त पेपर है। विषय आपका देख सकते हैं समाज विज्ञान का पेपर है। यहाँ पर आपके सामने दिया है, जो कि आपको यहाँ पर नोट पॉइंट दिया गया है। आपको नोट पॉइंट सभी को अच्छी तरह से पढ़ लेना प्यारे दोस्त, और पढ़ने के बाद अपना पेपर सॉल्व करना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जिसे मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं दिया गया है, फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका किस वर्ष की थी। ऑप्शन ए आपके सामने दिया कृषक वर्ग, ऑप्शन बी दिया क्या दिया कुलीन वर्ग, ऑप्शन बी दिया मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन डी दिया मजदूर वर्ग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मजदूर वर्ग। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या दिया गया है। द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। आपके सामने ऑप्शन ए दिया वाल्टेयर, ऑप्शन बी दिया है दिर्दरे, ऑप्शन सी दिया है मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन डी दिया है रूसो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉन्टेस्क्यू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई थी। ऑप्शन ए दिया है आपके साथ अवनींद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दिया रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दिया है बंकिम चंद चटर्जी उपाध्याय और राजा रवि वर्मा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, क्या दिया है आपके सामने चौथा क्वेश्चन, जो कि आप देख सकते हैं चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना कब हुई थी। ऑप्शन ए आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, ऑप्शन सी दिया गया है, ऑप्शन बी दिया है 8 नवंबर 1924 ईस्वी को, ऑप्शन सी दिया है 10 फरवरी 1922 ईस्वी को, ऑप्शन डी दिया है 9 अप्रैल 1930 ईस्वी को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 फरवरी 1922 ईस्वी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संभावित संसाधन है। क्या दिया है, कोयला, पेट्रोल, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। यहाँ प्यारे दोस्त क्या रहना चाहिए, यूरेनियम रहना चाहिए, यूरेनियम। और यहाँ पर बॉक्साइट दिया है, आपको इसको चेक आउट कर लेना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर छठवां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जो कि आपके सामने है। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए दिया झारखंड, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है राजस्थान, ऑप्शन डी दिया है बिहार। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, इसका करेक्ट आंसर गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पाई जाती है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है, सतवां क्वेश्चन। मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे दोस्त। यहाँ दिया है जीवमंडल, जैव विविधता, पारिस्थितिक तंत्र, जीवाश्म। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पारिस्थितिक तंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं, देश में कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत योगदान कितने प्रतिशत है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए आपके सामने दिया है, जो कि आपके सामने है। क्या दिया गया है, 18%, 20%, 22%, 25%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, 22% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, 22%। नौवा क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं, देश के किन दो राज्यों में जल की कमी रहती है। क्या दिया है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और बंगाल और झारखंड, राजस्थान और गुजरात, बिहार और सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा प्यारे दोस्त, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दसवां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, क्या दिया है, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा प्रमुख सामाजिक समूह है। क्या दिया है, सिंघली दिया गया है प्यारे दोस्त, और यहाँ दिया है श्रीलंका तमिली, भारतीय तमिल, ईसाई। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंघली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं प्यारे दोस्त, क्या दिया गया है, संविधान के अनुसार भारत की राज्य भाषा क्या है। क्या दिया है, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बारहवां क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है, बारहवां क्वेश्चन,
बारहवा क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है प्यारे दोस्त। वर्तमान समय में भारतीय संघ कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया है जो कि आप देख सकते हैं 9, 7, 10, 8। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त? ऑप्शन डी हो जाएगा। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? लंदन, पेरिस, दिल्ली, मैक्सिको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्सिको इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहां पर आपके सामने दिया है 14वां, काले दस्ताने और बंधी मुट्ठियां किसकी प्रतीक थी? और विद्रोह की, शांति की, अश्वेत शक्ति की, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, अश्वेत शक्ति की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत कितनी थी? यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है पुरुष की 70% और महिला की 54%। ऑप्शन बी दिया है पुरुष की 80% और महिला की 62%। और यहाँ दिया है पुरुष की 82% और महिला की 65%। द दिया है पुरुष की 84% और महिला की 65%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुरुष की महिला की तुलना कितनी थी? 82% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। 16वां, निम्न में से कौन सा सांप्रदायिक और कुप्रथा के बारे में सत्य है? ऑप्शन ए दिया है सांप्रदायिक शिक्षा, दंगे, नरसंह, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है। 17वां क्वेश्चन, निम्न में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? राष्ट्रीय आय, प्रत्यक्ष आय, कुल आय, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्यारे दोस्त, उपर्युक्त सभी। और यहाँ दिया टाउल साधारणतः लोगों की इच्छा क्या होती है? क्या दिया? अधिक आय, मौलिक अधिकार, उच्च पद की इच्छा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त, उपर्युक्त सभी की इच्छा होती है। 19वां क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं क्या दिया है। एक वस्तु का अधिकांश प्रतीक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया है आपके सामने प्यारे दोस्त, क्या दिया गया है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं 20वां, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से कौन किस वर्ष लागू किया गया था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2005 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा था, जो कि आपको इसे हल करना है, 4 नंबर के लिए दिया गया है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है दोस्त, जो कि आप देख सकते हैं अथवा करके, यदि उसे नहीं आता आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं अथवा दिया है, क्या दिया है? बागर मजदूरों के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के क्या कारण थे? और यहाँ पर दूसरा दिया है संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस हेतु के दो उपाय लिखिए, जो कि सुझाइए, 4 नंबर के लिए दिए गए हैं। यदि उसे नहीं आता तो यहाँ पर अथवा करके दिया गया है, आपको अथवा कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं 3रा क्वेश्चन क्या दिया है दोस्त। यहाँ दिया है सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण का तथा बंटवारों का क्षैतिज विवरण में क्या अंतर है, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है 4 नंबर के लिए और अथवा करके दिया गया है, आप उसे नहीं कर सकते तो इसको भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने दिया है, जो कि आप देख सकते हैं भारत में सामाजिक विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी 3 प्रमुख तत्वों का उल्लेख कीजिए, और चौथा दिया गया विकास पारंपरिक अवधारणाओं से आप क्या समझते हैं, 4 नंबर के लिए दिया है और अथवा करके दिया है, यदि आप उसे नहीं कर पाते तो इसको कर सकते हैं प्यारे दोस्त। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पर क्या दिया गया है, वर्णनात्मक प्रश्न आपके 5 नंबर, 5वां क्वेश्चन आपको कर लेना है, और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया है अथवा करके उसे भी कर लेना है, यदि उसे नहीं आता तो इसको कर लेना है। और इन क्वेश्चनों को आपको अच्छी तरह से प्यारे दोस्त क्या करना है, अच्छी तरह से सॉल्व करना है। और यहाँ पर दिया गया है जो कि मानचित्र में दिख रहा है, इन क्वेश्चनों को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर इसे सॉल्व कर लेना है। और 9वां क्वेश्चन आपके सामने दिया, जो कि आप देख सकते हैं जो मानचित्र में दिया गया है, भारत के मानचित्र में निम्न को दर्शाना है, क्या दिया गया है? ऑप्शन ए आपके सामने दिया है प्यारे दोस्त, क्या दिया गया है आपको मैं बता दूं,
ऑप्शन है आपके सामने दिया गया है। पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां पर नमक कानून तोड़ा गया था वो कौन सा स्थान था? डांडी थी, डांडी यात्रा थी दोस्त, जहां नमक कानून तोड़ दिया गया था। अगला दिया है, वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो क्या था? अमृतसर। और तीसरा क्वेश्चन दिया, वह स्थान जहां पर 1919 ईस्वी का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो भी अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, चौथा, वह स्थान जहां पर चौरी चौरा कांड हुआ था वो था गोरखपुर। और अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया, पांचवा, वह स्थान जहां पर अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई थी वो थी कोलकाता। और दसवां क्वेश्चन आपके सामने दिया, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, क्या दिया? उत्तर प्रदेश की राजधानी चिन्ह को लखनऊ से, नर्मदा नदी पर बांध बने थे चिन्ह कहां थे? सरदार सरोवर बांध। चाय उत्पाद क्षेत्र नामक असम में, लाल मिट्टी का क्षेत्र चिन्ह क्या था? प्यासो गुजरात था। और प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कर लेना और सॉल्व कर अपना पेपर देने जाना हो। आई होप कि आज के वीडियो आप लोगों को पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।